समुद्र के किनारे शाहिद कपूर ने खरीदा नया घर, कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर की बात करें तो शाहिद कपूर के लिए यह साल बहुत ही अच्छा गुजरा है। इस साल की शुरुआत में उनकी पर्दे पर आई फिल्म पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको यह बात मालूम होगी कि इस फिल्म में शाहिद कपूर महाराजा रतन सिंह का किरदार निभाते हुए लोगों के बीच नजर आए थे। उनके इस किरदार के लिए लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी। पहली फिल्म के हिट होने के बाद ऐसी खबरें आई थी कि शाहिद कपूर के घर में एक नए मेहमान की बहुत ही जल्द एंट्री होने वाली है। अब इन दिनों ऐसी खबर आ रही है कि घर में आने वाले नए मेहमान और अपने परिवार वालों के लिए शाहिद कपूर ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया है। आज हम आपको शाहिद कपूर के नए घर के बारे में ही बताने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक शाहिद कपूर ने अपना नया आशियाना मुंबई के समुद्र के किनारे खरीदा है। मुंबई के अपस्केल वर्ली में डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदने वाले शाहिद कपूर के घर से समुद्र का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। ऐसा बताया जा रहा है कि शाहिद कपूर के इस घर की कीमत लगभग 56 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस घर के रजिस्ट्रेशन के लिए ही शाहिद कपूर ने लगभग 3 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी भी भरी है। इस बिल्डिंग में अपना डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदने के बाद शाहिद कपूर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पड़ोसी भी बन गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस इमारत से काम चल रहा है, जिसकी वजह से शाहिद कपूर आने वाले वक्त में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। नए आशियाने के समुद्र के किनारे स्थित होने की वजह से उनके परिवार को घर से ही समुद्र के किनारे का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस डुप्लेक्स अपार्टमेंट के साथ शाहिद कपूर को 6 कारों की पार्किंग के लिए जगह भी प्रदान की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में शाहिद कपूर ने अपना नया अपार्टमेंट खरीदा है, उस बिल्डिंग में लग्जरी होटल और अन्य अपार्टमेंट भी मौजूद है, जिसकी वजह से शाहिद और उनके परिवार को बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि शाहिद अपने नए आशियाने में कब तक शिफ्ट होते हैं।